हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे झारखंड में जो है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति की अपडेट आई है, जिसमें कि लगभग ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं। तो देखिए, सभी कोटी के लिए वैकेंसीज हैं। मैं बता देती हूँ सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित एवं भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, संगीत, इतिहास, नागरिक, भूगोल, शारीरिक शिक्षा, पर्शियन, संथाली, टोटल सभी के लिए वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, बताते हैं यहाँ पे स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति, इसमें देखिए किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। तो देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मैथिली, अर्थशास्त्र, भूगोल, प्राचीन इतिहास, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित के लिए वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इसका आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए देखिए, आवेदन पत्र का प्रारूप जो है मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगी पीडीएफ, जो कि इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाकर ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे हम लोग आवेदन कैसे करेंगे। देखिए, उसमें क्या करना है, नाम, आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, उम्र, स्थायी पता, पत्राचार का पता, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता। उसके बाद हम बात करते हैं कोटी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पहचान चिन्ह, ये सब जब हम लोग भर लेंगे उसके बाद हमको सबमिट करना है। तो कहाँ पे के लिए वैकेंसीज हैं, तो देखिए सभी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तो यहाँ पे देखिए एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद के लिए वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट निकाली गई है, जिसमें कि अगर आपको कोई भी क्वायरी होती है तो आप इसके देखिए ईमेल आईडी पे जाके क्वायरी को यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, जिसमें कि dhanbad.rmsa@gmail.com पे हम जाके अपना जो है जो भी क्वायरी होती है हम कर सकते हैं। बात करते हैं इसमें देखिए, जिले के 19 चयनित आदर्श विद्यालयों में संविदा के आधार पर उच्च विद्यालयों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक प्रशिक्षित एवं प्लस टू विद्यालयों के लिए स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र 26/9/2022 तक जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय धनबाद में निबंधित डाक के माध्यम से यहाँ पे हमें जो है उपलब्ध करा देना है। उसके बाद अगर कोई भी वहाँ पे जाता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए, बताते हैं इसमें कुछ शर्तें रखी गई हैं, जिसमें कि यहाँ पे सामान्य कोटि के लिए 40 ईयर है। उसके बाद हम बात करते हैं अगर विकलांग होते हो तो 45 ईयर, बात करते हैं महिला के लिए 43 ईयर, अगर विकलांग होते हो तो बात करते हैं 48 ईयर, बात करते हैं अब यहाँ पे देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो 42 है, लेकिन अगर विकलांग होते हो तो 47 होता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 45 वर्ष है, लेकिन यहाँ पे विकलांग की बात करते हैं तो 50 ईयर होता है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार इसमें विजिट करें डू सब्सक्राइब। अब देखिए बात करते हैं इसमें नियुक्ति हमारी कैसे होगी, हमारा चयन प्रक्रिया कैसा होने वाला है। तो देखिए यहाँ पे नियुक्ति चयन प्रक्रिया जो है, इसमें उपायुक्त धनबाद द्वारा गठित चयन समिति साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा के अवलोकन उपरांत तैयार मेघा सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। यानी कि देखिए एक इंटरव्यू होगा और आपको देखिए एक इंटरव्यू के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, पहली बार इसमें विजिट करें और डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लेना।